हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्कोर मोर चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं और वो किस शैली में बने हुए हैं, उनको किस शासक ने बनवाया है तथा वे कहाँ पे स्थित हैं। इन सब की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं ये सभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस पूरे लिस्ट में इनको रखा है। और आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूरी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? देखिए, सबरीमाला मंदिर केरला में पड़ता है, पेरियार टाइगर रिजर्व। ये पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो इसी में, मतलब ये जो मंदिर है वो स्थित है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थयात्रा इस मंदिर में होती है। अच्छा, देखिए, इस मंदिर में इसलिए चर्चा में रहा यह मंदिर क्योंकि इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। ये लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है और इसमें ऐसी मान्यता थी कि जो लॉर्ड अयप्पा थे वो अपने पूरे उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किए थे, इसलिए इसमें 10 वर्ष से बड़ी और 50 वर्ष से छोटी उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आप यहाँ पे जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे पुजारियों ने जाने अभी तक नहीं दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसे निर्माण करवाया था राज राजा चोल प्रथम ने। किसने करवाया था? राज राजा चोल प्रथम ने। तमिलनाडु के तंजौर में जो मंदिर है वो कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और एक शिव मंदिर है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल कर लिया गया। यह बनवाया कब गया था? तो 1003 से 1010 एडी में इसको बनवाया गया था। बढ़ते हैं आगे, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये लॉर्ड विरूपाक्ष को समर्पित है जो भगवान शिव के एक रूप माने जाते हैं। ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, बिल्ट बाई लखन दांडेसा। आगे बढ़ते हैं, द्रविड़ शैली में निर्मित कौन सा मंदिर है? तो द्रविड़ शैली में देखिए कौन कौन सा मंदिर निर्मित है इसके बारे में बता दूं। तो कांची में स्थित कैलाश नाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया था। द्रविड़ शैली को जन्म किसने दिया था? पल्लव राजाओं ने। चोल काल में इसे ऊंचाइयां मिली, मतलब चोल काल में इसमें बहुत सारे मंदिर बनवाए गए। और बात करते हैं नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है कि बेसर शैली में मध्य प्रदेश के अंदर एक पूरा का पूरा मंदिर समूह है, वो कौन सा है आप हमें बताएंगे। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली कौन सी है? देखिए, उत्तर भारत में खास करके नागर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। जो अभी राम मंदिर अपना बनने वाला है अयोध्या में वो किस शैली में बनेगा? तो नागर शैली में बनेगा। और जो साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं वो खास करके द्रविड़ शैली में होते हैं। द्रविड़ शैली में विमान होता है और इसमें जो आगे मंदिर के सामने हॉल होता है उस टाइप का कुछ संरचना होती है। इसके मैंने क्वेश्चन में कवर किया है, आगे देखिए आप लोग। सिनेगॉग किससे संबंधित है, यानी कि किस धर्म का पूजा स्थल सिनेगॉग होता है? तो यहूदी धर्म का, जो इसराइल में जो लोग रहते हैं यहूदी लोग, उनका धर्म जो पूजा घर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेगॉग बोलते हैं। अच्छा, पारसी लोगों का पूजा स्थल क्या कहलाता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कौन सा मंदिर तमिलनाडु में नहीं है? देखिए, जो जो है उसको देख लेते हैं, जो नहीं होगा आप लोग खुद से छांट लेंगे कि कौन सा मंदिर तमिलनाडु में नहीं है। देखिए, है कौन कौन सा? मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, ये मदुरै में है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है। रंगनाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगम में है। जम्मूकेश्वर टेम्पल कांची कैलासाथार टेम्पल, एकम्बेश्वर टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल हैं। ये सब किस में आते हैं? तमिलनाडु के अंदर आते हैं। इतना सारा पूछेगा नहीं। बाला मुर्गन टेम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। कुमारी अम्मा टेम्पल इंपॉर्टेंट है। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ लेता है, बाकी सबको नहीं पूछता है। अब आ जाते हैं, स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? देखिए, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। इसको डिजाइन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, ये पांचवें सिख गुरु थे, ठीक है। और इसकी नींव किसने रखी थी वो देखिए, ये गुरु जो अर्जुन देव हैं इनके एक मित्र थे, उन्होंने इस पांचवे मतलब इस मंदिर की नींव रखी थी। उनका नाम था साई मियाँ मीर। क्या नाम था? साई मियाँ मीर। ये अर्जुन देव के क्या थे? मित्र थे। उन्होंने इस मतलब ये सूफी संत थे और उनके मित्र भी थे, इन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। इसका अन्य नाम गोल्डन टेम्पल या फिर हरमंदिर साहिब भी है। अफगानों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में आए महाराजा रंजीत सिंह, इन्होंने दोबारा इसको बनवाया और इस पर सोने की परत भी चढ़वा दी, इसलिए मंदिर काफी खूबसूरत दिखता है, इसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? यह असम के गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है कामाख्या मंदिर। कोणार्क
सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसे सन 1984 में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी थी। यह मंदिर सूर्य को समर्पित है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसके निर्माण को कलिंगा आर्किटेक्चर में किया गया, ठीक है, कलिंगा आर्किटेक्ट में इसका निर्माण किया गया है, कलिंग शैली में। 1250 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। इसे आज पूरी तरह से सोलर प्लेटेड कर दिया गया, ठीक है, ये पूरी तरह से सोलर प्लेट पे ऑपरेट होता है मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता कौन था, ये मैंने बता दिया, नरसिंहदेव प्रथम। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स में नहीं है? देखिए कौन कौन से है उसको देख लेते हैं, नहीं है वाला आप क्वेश्चन खोज लेंगे। तो कौन कौन से हैं, तो तंजौर मंदिर जो है बृहदेश्वर टेम्पल वो चोल वंश के राजा द्वारा निर्मित है, दशासुरम में एरावतेश्वर मंदिर और एक गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये तीनों जो हैं वो चोल वंश के राजाओं द्वारा बने हुए हैं। बाकी जो मंदिर रहेगा इनको छोड़ के वो चोल वंश के राजाओं द्वारा बना हुआ नहीं रहेगा। यह तीन चोल मंदिर मंदिर वास्तुकला के द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, ठीक है, इनको 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों द्वारा किया गया था, ये मैंने बता दिया तीनों मंदिर के बारे में। आगे आते हैं, तालीपरम्बा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं का केवल रात्रि 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है? देखिए एक और मंदिर है जिसमें महिलाएं केवल 8 बजे रात के बाद में प्रवेश कर सकती हैं, पुरुष किसी भी टाइम प्रवेश कर सकते हैं लेकिन महिलाएं केवल रात में 8 बजे के बाद ही प्रवेश करती हैं। वो मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, ये केरल में है। ये भी मंदिर कहाँ पे है? सॉरी, केरल में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस वास्तुकला में निर्माण किया गया है? देखिए लिंगराज मंदिर जो है उसे कलिंग आर्किटेक्चर में निर्माण किया गया है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर निर्माण किसने करवाया था? इसे ययाति केसरी ने निर्मित करवाया था 11वीं शताब्दी में। यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के दौरान हुआ था? तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था और ये बना था 1885 एडी से 1050 एडी के बीच में। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1986 में। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो छतरपुर में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है यहाँ पे, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। यहाँ पर दो प्रमुख मंदिर, पहला हमारा बिमल वसाही मंदिर या प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ उनको समर्पित है। कौन सा मंदिर? बिमल वसाही मंदिर, ये 1031 ईस्वी में बना था। और लून वसाही मंदिर एक है जो 22वें तीर्थंकर थे नेमीनाथ, ये जैन धर्म के उनके समर्पित है, ये लून वसाही टेम्पल। यह मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों द्वारा बनवाया गया था। ये लून वसाही मंदिर किसने बनवाया था? तो वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों ने 1231 ईस्वी में बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सन टेम्पल मोढ़ेरा किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया? देखिए एक सन टेम्पल था आपका उड़ीसा में और ये मोढ़ेरा में है। तो इसे चालुक्य डायनेस्टी में भीमा द्वारा बनवाया गया था। 1026 से 27 सीई में इसका निर्माण हुआ था। मोढ़ेरा विलेज जो है वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, पुष्पावती नदी के किनारे। देखिए नोट इसमें दे दिया हमने, ये कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ये भी सूर्य मंदिर है कि कोणार्क सूर्य मंदिर, और ये मोढ़ेरा का शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर है सॉरी। बढ़ते हैं आगे। एलिफेंटा केव्स ये किस भगवान को समर्पित है? यानी एलिफेंटा के जो गुफाओं में जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा गुफाएं ये कहाँ पे हैं? इनका एक नाम और है, घारापुरी की गुफाएं, ठीक है। ये पौरी आइलैंड पर पड़ती हैं, महाराष्ट्र में। अन्य नाम घारापुरी गुफाएं। 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये खजुराहो में ये भी मंदिर है। जो खजुराहो का मंदिरों का समूह है वहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर भी है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है, वैगई नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित ऐतिहासिक शिव मतलब हिंदू मंदिर है। अन्य नाम मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या फिर मीनाक्षी अम्मा मंदिर इसको कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव यानी सुंदरेश्वर और उनकी भार्या देवी पार्वती यानी उनको मीनाक्षी कहते हैं, इन्हीं दोनों को यह समर्पित है। इसका निर्माता कौन है? किंग कुलशेखरा पांड्या इसके निर्माता हैं। 1190 से 1216 सी में इसको बनवाया गया था। बृहदेश्वर के बारे में मैंने बता दिया है। विट्ठल टेम्पल किस स्मारक समूह का भाग है?
विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये जो कर्नाटक में हम्पी की गुफाएं हैं वहां पे विट्ठल टेम्पल भी है। इसमें कृष्ण मंदिर परिसर, नरसिंह मंदिर, गणेश मंदिरों के हेमुक्ता समूह, अच्युत्या राय मंदिर परिषद, विट्ठल मंदिर परिषद, पट्टाभि मंदिर परिषद, लोटस महल परिषद, बहुत सारे मंदिर परिषद इसमें स्थित है। कहाँ पे? हम्पी की गुफाओं में। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर, विट्ठल टेम्पल जो है ये पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर जो है ये पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल हुआ था। आगे बढ़े, ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? मैंने बता दिया कि कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा कहते हैं और राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इन मंदिरों में से आपको छांटना है कौन सा गलत मैच है। देखिए, खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर ओडिशा में स्थित है। बृहदेश्वर टेम्पल आप हमें कमेंट कीजिए, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। और ये जो है त्रिजारा जैन टेम्पल जो है ये अलवर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और ये चेयर स्टाइल और द्रविड़ स्थापत्य कला में बना हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसके बारे में मैंने अभी भी बता दिया ये कहाँ पे स्थित है। हिंदू मंदिर शैली के कौन से हिस्से में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है? देखिए, हिंदुओं का जो मंदिर होता है खास करके वो बनाया जाता है हमारा नागर शैली में, तो उसमें मंडप का जो स्थान होता है जिसमें भगवान ऑलरेडी बैठे होते हैं वो स्थान सबसे हमारा खाली होता है, मतलब रिक्त स्थान उसको छोड़ा जाता है, बाकी सब कुछ ना कुछ उसमें बनाया हुआ रहता है, तो मंडप में सबसे ज्यादा जगह होता है। और शिखर इज फाउंड इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल, जो भी नागर शैली के मंदिर होते हैं उसमें शिखर पाया जाता है। देखिए, मैंने उसमें बोला था तो शिखर पाया जाता है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में, और विमान पाया जाता है किसमें? द्रविड़ शैली के जो मंदिर होंगे उसमें विमान पाया जाता है। ये जैसे ये मंदिर हो गया ना, तो इसमें इस तरह का कुछ संरचना निकला हुआ रहेगा विमान जैसा, तो ये विमान का जो संरचना होगा वो किसमें मिलेगा? द्रविड़ शैली में। और जो नागर शैली के मंदिर होंगे वो कैसे रहेंगे मैं दिखा दूँ, तो वो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म रहेगा, इस पे पूरा का पूरा ऐसे मंदिर रहेगा, ये देखिए ऊपर तरफ ऐसा त्रिकोण बना हुआ रहेगा, ये नागर शैली के मंदिर इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग इस तरह से बने हुए रहेंगे, तो ये देखिएगा राम मंदिर का आर्किटेक्चर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि नागर शैली के मंदिर कैसे बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, कांची कैलाशनाथ टेम्पल ये किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये पल्लव वंश के शासक द्वारा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। कुंदुका पहाड़ी पर स्थित मुद्रेश्वर टेम्पल किस राज्य में है? तो ये उत्तर कन्नाडा जिला कर्नाटक में स्थित है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा मंदिर याद हो गया होगा, और यदि आप इस वीडियो का क्विज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उससे टेलीग्राम में जुड़िए और क्विज कीजिए। धन्यवाद।